नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आपका नव भारतीय परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने स्वर संधि के जो भाग हैं वो पढ़ लिए थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये चारों को हमने पढ़ लिया था। आज हम जो यण संधि का थोड़ा सा एक उदाहरण दे दिया था ऋ से ल बनाने का, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अयादि संधि को पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों? देखिए, ऋ को क्या बन रहा है हमने, ल, ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें देखिए, ल धन आकृति, ल धन आकृति, इसका क्या बन गया, लाकृति। इसका क्या बन गया दोस्तों, लाकृति, ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद अपन बनाएंगे ल आए।
आए तो इसको क्या हो जाएगा? एको आए, ओको अब, और आई को आए, और आई को आए। तो एक स्थान पर, एक स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आए और आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओके स्थान पर अब हो जाएगा, अब हो जाएगा तथा मतलब एक स्थान पर ऐसा रहे।
ए बराबर क्या बन गया हर ए। ठीक है ना दोस्तों, नयनम शयनम जयति चयनम और क्या बन गया दोस्तों हर ए। अब इसके बाद में अपन देखते मेधन अति, मेधन अति तो इसका क्या बन जाएगा नयति नयति। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे यानी कि ओ से क्या बनेगा अब के उदाहरण। ठीक है, जैसे भावत पावत है, उसके बाद भवनम पवनम है ना, वैष्णवे इत्यादि क्या बनेंगे अपने ओ के उदाहरण बन जाएंगे। जैसे उसको क्या बनाएंगे अपन, उसको क्या बनाएंगे दोस्तों अब, उसको क्या बनाएंगे दोस्तों अब। ठीक है ना, जैसे वो धन अनाम क्या बना दिया है अपन ने, वो धन नायका है ना।
ठीक है ना दोस्तों, आर बनाएगा ना सबको, है ना। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि धैर्य धन अभी तो क्या बनेगा, धैर्य धन अति, इससे क्या बन जाएगा, ध्यायति ध्यायति, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या बनेगा अपना, ध्याय बन गया। अब इसके बाद में और भी उदाहरण देख लेते हैं अपन, डे धन अतः, डे धन अतः, तो इसका क्या बन गया, दायकः, इसका क्या बन गया दोस्तों, दायकः। यहां पर मतलब पाय धन आता है तो इसका क्या बन गया, पाय धन, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अपन ने बनाया जय धन का नायक, पाय धन का पाय को पाय का, जय धन का चाय का, और डे धन का धावक, और डे धन का दिहाय की, और इसका क्या बन गया, डे धन का दायक, ठीक है ना। और पाय धन का क्या बन गया, पाय का, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है ना, अब